तो फाइनली अभी हम यूनिवर्सिटी के गेट पर, ये ऐसा दिखता है इस यूनिवर्सिटी का गेट। ब्लॉग नहीं बनाया लेकिन अब बना रहा है ब्लॉग, तो इसका क्या रीज़न है? तो भाई एक बैठा था और इस सब सवालों के जवाब मैं भी देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं भाई ब्लॉग बनाओ, क्यों नहीं ब्लॉग बना रहे, एक महीना हो गया वीडियो नहीं डाल रहे हो, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैं बताता हूँ मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था असल में, क्योंकि देखो यार मैम मेरे को एडमिशन भी कराना था अपना, मेरे को सेटल भी होना था, मेरे को यूनिवर्सिटी आना था, मेरे को हॉस्टल रखना था, ये वगैरह जो भी मैं कर रहा था मेरे को सब करना था। तो आज फाइनली आज संडे था और आज पूरे टाइम फ्री होने वाला है, तो इसलिए मैंने आज क्यों ना एक ब्लॉग शूट किया जाए। तो बेशक ये अब मंडे को या ट्यूजडे को अपलोड होगा ब्लॉग, बट मैं संडे को शूट करूँगा। आज संडे है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज सच में संडे ही है। तो अभी 9:30 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया, तो अभी चलते हैं हम पूरी यूनिवर्सिटी का एक राउंड बनेंगे। आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा अपनी, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में, और देखो ये जो बैकग्राउंड न्यूज़ पेपर देख रहे हो ये सब मैंने खुद किया, मेरी कलाकारी है खुद की। This all credit goes to me. Peace out. चलो देखते हैं यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, let's go. तो right guys, मैं जा रहा हूँ सीधा बाहर घुसने के, फिर तुम देखते हैं क्या मिलता है इस ब्लॉग में। तो अभी देखते हो, ये देखो जैसे हमारे यहाँ पर चाचू, क्या हाल चाल, ठीक ठाक, बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो ये थे हमारे यहाँ के जो हमारे वॉचमैन है, मतलब बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, शिवाली हॉस्टल है यहाँ पर। और इस साइड ये मेरे को नाम नहीं पता इस साइड क्या है, और यहाँ पर सामने जो बिल्डिंग दिख रही है मैस है, ये यहाँ पर बास्केटबॉल ग्राउंड, और उसके बाद इसके आगे एक और ग्राउंड, बहुत सारे ग्राउंड है, यानी कि यूनिवर्सिटी का एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है यार। कुछ सिनेमैटिक्स भी लूँगा मैं, आपको सिनेमैटिक्स में दिखाऊँगा आपको एरिया वगैरह जो भी मिलेगा देखने को। तो बाकी सब देख सकते हो एंट्री यहाँ की कितनी मस्त है, यहाँ सीधा जाना अंदर और सीधा यहाँ से वो चाचू के पास खड़े हो जाना यार, ठीक है। ये बिल्डिंग है शिवाली हॉस्टल, ये है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर था हमारा हॉस्टल इस बिल्डिंग के पीछे, वो थोड़ा सा आपको दिख रहा है इन पेड़ों के पीछे, वहाँ पर हमारा हॉस्टल था। और उसके बाद ये था फिजिकल वालों का डिपार्टमेंट, जो फिजिकल एजुकेशन वाले ये उनका डिपार्टमेंट है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है ना भाई, ये अपना डिपार्टमेंट था पहले, और ये अब शिफ्ट हो चुका है जो कि है वो सामने वाली बिल्डिंग वहाँ पर, ये वहाँ शिफ्ट हो गया। पहले जो लॉ का डिपार्टमेंट था वो ये वाला था, यहाँ पर था लॉ वाला, मतलब हम यहाँ पर स्टडीज़ वगैरह करते थे, अब जो शिफ्ट होकर वहाँ चला गया उस वाली बिल्डिंग में सामने वाली में, तो अभी हमें वहाँ जाना पड़ता है पढ़ने। और आपको दिखाता हूँ छोटा सा पहले ही, ये जो एक बिल्डिंग है ये बन रही है, और वो सामने जिस पे वो ब्लू कलर के मिरर्स लगे हैं वो हमारा ए ब्लॉक है, मतलब अकेडमिक्स है वो। उसके बाद अभी हम चलेंगे पहले अपने ब्लॉक के बैक साइड से, जो आपको यहाँ पर पार्क्स वगैरह हैं वो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है लॉ, मतलब कि ये वाली जो बिल्डिंग है ना ये लॉ डिपार्टमेंट की, कितनी बार बोल दिया मैंने वहाँ। उसके बाद ये देखो यहाँ पर था कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों का डिपार्टमेंट यहाँ पर था, और हमारा अभी अब यहीं शिफ्ट कर दिया है, बोर्ड भी लगा यहाँ पर। और ये जो पार्क देख रहे हो ना आप सामने, ये वाली पार्क, इस पार्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, देखो भाई मैंने कैमरा कहाँ रखा है, इस पार्क के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो पार्क है ये लवर्स पार्क है, और यहाँ पर बच्चे आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठने के लिए, मनोरंजन करने के लिए आते हैं, समझ जाओ खुद ही क्या करने आते हैं क्या नहीं करने आते। गलत मत सोचो यार, हम भी आते हैं यार, ऐसा नहीं है कि हम नहीं आते, बट हमारे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है, क्या करें यार भाई। अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है
नहीं तो अगर आप मेरी तरह तो आप अकेले जाओ यहाँ पर बैठो, जिससे मैं अकेले बैठता हूँ। उसके बाद ये छोटा सा एक पार्क है, एक और यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में हमारी क्लास लगती है। ये कुछ सीनियर्स है यहाँ पर। भैया गाना बंद करो, कॉपीराइट बच जाएगा। गाना बंद कर दो, कॉपीराइट बच जाएगा। तो कुछ सीनियर्स मिले यहाँ पर। भैया कैसे हो? आपने आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? किया आपने? आपने भैया किया है? भैया प्लीज़ कर दो ना भैया। भैया एक एहसान हम पर कर दो, हम आप 10 एहसान करेंगे। आप यहाँ गर्लफ्रेंड लेकर आओगे, हम पब्लिक को नहीं बताएंगे। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करोगे? अरे थैंक यू भैया। उसके बाद अभी हम बात करते हैं आगे। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको इस पार्क के बारे में। अभी तो आप देख रहे होंगे ना, ये पार्क बिल्कुल खाली है ना। अभी बच्चे नहीं आए यूनिवर्सिटी में, सारे बच्चे नहीं आए। तो जब सारे बच्चे आएंगे ना, तभी आपको डे टाइम की कोई क्लिप लेकर मैं दिखाऊंगा आपको। फिर देखना यहाँ पर, यहाँ पर भाई आपको जगह नहीं मिलेगी। जो ऊपर देख रहे हो टॉप वाला, ये जो टॉप देख रहे हो, यहाँ पर भी लोग बैठे होते हैं गर्लफ्रेंड्स लेकर। भाई जगह नहीं बचती, आधे तो पेड़ों पर चढ़े होते हैं, क्या बताएं उनके बारे में। तो ये जो बिल्डिंग है, ये अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है, जो कि मतलब देखो यहाँ पर बोर्ड भी लग गया है लॉ वालों का। तो ये कुछ अंदर से इस टाइप की दिखती है। और अगर हम बात करें यार हमारे डिपार्टमेंट, जो हमारी क्लास है वो कहाँ लगती है, तो यहाँ पर भाई क्लास तो अभी बंद हो गई, क्लास में नहीं जा सकता मैं, बट यहाँ पर लगा हुआ है BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर रूम नंबर 109। तो मतलब कि मेरा इसी फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर पर ही है, 109 रूम नंबर है। ये देख सकते हो, देखो भाई कैसे तीन तीन बैठे हैं भाई। ऊपर से एक बंदे ने तो टांग लटका के रखी हुई है। चलो छोड़ो इनको, जाने दो। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो कैंटीन है, ये कॉलेज की सबसे बड़ी कैंटीन है और सबसे ज़्यादा फेमस भी यही है। इसका नाम है ऑडिटोरियम। और यहाँ अंदर बच्चे बैठ के कुछ खाते रहते हैं, मतलब खाओ जो खाना है आपने, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ से हम आगे भी जाएंगे, आगे जो इसका ग्राउंड है, ऑडिटोरियम का ग्राउंड है आगे यहाँ पर। तो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पर बैठ के आप कुछ भी कर सकते हो, खेलना खेल सकते हो, बैठना हो बैठ सकते हो, रेस्ट भी कर सकते हो। तो अभी मैं जिस ग्राउंड की बात कर रहा था ना, वो ये वाला था। ये छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है पर छोटा ही है, तो मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पर ऑडिटोरियम पर ये जो आपने देखे अंदर, ये ही है कैंटीन। मतलब यहाँ से भी रास्ता है और वहाँ मेन रास्ता, तो इसका वहाँ से वहीं से ज़्यादातर लोग आते रहते हैं यहाँ पर। तो जब जब ऊपर क्लासेस लगी होती हैं, तब बच्चे यहाँ से अंदर आते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ खाने के लिए आते हैं। उसके बाद ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये पूरी बिल्डिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों की है। ये देखो, जैसे आपको मैंने बताया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों की ये बिल्डिंग है ये पूरी। वो आगे है नीलगिरी हॉस्टल, मतलब कि जो नीलगिरी हाउस है उनका हॉस्टल वहाँ आगे है सामने, वहाँ पर भी जाएंगे हम। अभी देखेंगे, मस्त मस्त जगह है यार, कुछ खास तो है नहीं बस दिखाने को, बट हम घूमेंगे फिर भी। देखो हमारा आगे क्या होता है इस ब्लॉग में, देख रहे हो यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ से हैं ये आए। और अगर अभी मैं बात करूँ इस गेट की, ये यूनिवर्सिटी का दूसरा गेट है, मतलब कि पहला गेट तो मेन गेट है, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये दूसरा गेट है, यहाँ से कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं यहाँ से, ये जो गेट है ना, इस गेट का नाम कब था, यहाँ से जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल वो सीधा सामने, और वहाँ पर हमें अलाउड नहीं जाना, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पर। अगर जा पाते तो भाई हम पहले भी गए होते और अभी भी जाते। और यहाँ पर भाई इतने खतरनाक फाइन है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और यहाँ पर कुछ 3-4-5 बसेस लगी हैं कॉलेज की, शायद इनके पास इतनी होंगी मुझे लग रहा है। और ये जो मजाक कर रहा हूँ, बाकी बसेस बाहर लगी हैं, बहुत सारी बसेस हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो है ना, ये सबसे मस्त बिल्डिंग, और इसके अंदर जो काम होता है वो तो उससे भी मस्त है। ये जो है ना, ये डिपार्टमेंट जो है, ये है होटल मैनेजमेंट वालों का। और यहाँ पर दिन रात ये हमेशा, मतलब जब भी इनको टाइम मिला ना, ये बस बनाते रहते हैं और खाते रहते हैं। जब भी देखो ना इनको, ये कुछ ना कुछ बना ही देंगे और खा ही रहे होंगे। वैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपको, हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, मतलब मैं कह रहा हूँ दिन भर ये बनाते रहते और खाते रहते, खुद ही बनाओ, जो मन करे वो बनाओ और खाओ। हम बेचारे तो अभी ये जो हॉस्टल देख रहे हो सामने, ये है नीलगिरी हॉस्टल। मतलब यहाँ पर आपको मैक्सिमम केरला की बचत की। ये एक हमारे हाउस से चले गए हैं, मतलब कि आप खुद गए हैं, आपको ज़बरदस्ती भेजा गया। हाँ ये खुद गए, अपनी मर्जी से आए हैं, मतलब शिवालिक से उठ के यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया फिर बहुत अच्छी बात है। और भैया क्या हाल चाल, बात नहीं कर रहे हो आप, स्माइल खतरनाक वाली है। तो अभी जैसे कि मैं आपको दिखाया, ये वाला जो हॉस्टल है, ये है नीलगिरी का हॉस्टल। मतलब कि यार बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है, हमारा ही बेकार दिखता है, बट हमारा भी किसी से कम नहीं है यार। उसके बाद यहाँ पर आप मस्त तरीके से बैठ सकते हो, जैसे कि देखो ये भैया बैठे हैं, क्या हाल है।
पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट वाले हैं, पूरे दिन इंदा बताता हूँ, ये पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, पूरे दिन मक्खियाँ पकड़ते रहते हैं पूरे दिन रात ये मक्खियाँ पकड़ते रहते हैं ये डिपार्टमेंट वाले। तो अब अभी आप जो सामने देख पा रहे हो, देखो व्यू कितना खतरनाक है, ये जो सामने बिल्डिंग देख पा रहे हो ये है ए ब्लॉक की, मतलब अकेडमिक्स की बिल्डिंग है ये बड़ी। यहाँ पर आप मतलब जो भी आपको कॉलेज से अगर कोई काम हो, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई काम हो तो आप यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर आप आकर सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर सामने कुछ और ये है यूनिवर्सिटी का मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करते हैं। यहाँ से आगे तक दूर दूर तक आपको कोई हॉस्टल नहीं दिखेगा, आगे जाके लेफ्ट लेके राइट लेके फिर लेफ्ट लेके फिर राइट लेके फिर आते हैं हॉस्टल। आपकी वीडियो बनाऊं? वीडियो बनाऊं सर आपकी? नहीं आपकी सर, आपकी भी नहीं बनाऊं सर आपकी? सर बोलो सर, सर ठीक है। हाय ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। यू आर फ्रॉम अफगानिस्तान, सो दिस गाइस फ्रॉम अफगानिस्तान। हैड यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल? Why? Will you subscribe? Yeah, thank you bro. Peace out. Okay? Where are you going now? You are going Jalandhar. Okay. Happy journey man. Happy journey. Stay blessed. Bye bye. तो फाइनली अभी हम यूनिवर्सिटी के गेट पर, ये ऐसा दिखता है इस यूनिवर्सिटी का गेट, और यहाँ से बाहर देखोगे ना भाई, मतलब 10 किलोमीटर सीधे आपको रास्ता दिखेगा और इस साइड से भी 10 किलोमीटर तक आपको सीधे ही रास्ता दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। और ये सामने सिक्योरिटी गार्ड जो कि अभी बोलते हैं हमें कि भाई वीडियो मत बनाओ, वीडियो बंद करो। तो अभी गेट से अंदर आने के बाद ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है और ये है हमारा ए ब्लॉक। तो अभी हम अंदर जा सकते हैं, अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे और आपको अंदर से भी दिखाएंगे। ये बाहर से इसके ऐसी कुछ पार्क टाइप का बनाया है और वो देख सकते हो आप सामने, सामने आपको दिखाता हूँ, मैं पास जाकर दिखाता हूँ यहाँ पर क्या है। ये बुक्स हैं, ये देखो आप, ये सारी बुक्स के वो बने हुए हैं स्टैचू, और ऊपर बड़ा सा एक लोगो लगा है GKU। ओके, ये है GKU हमारा। तो राइट गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था और अभी हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे। और मैं आप सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक वीडियो, एटलीस्ट एक वीडियो हफ्ते में डालूंगा, मतलब मैंने ये सोच के रखा है यार। अब मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में एक वीडियो डालूँ, हर संडे मैं वीडियो शूट करूँगा, मंडे या ट्यूजडे को अपलोड कर दूँगा, ऐसा ही शेड्यूल रहेगा हमारा। ठीक है, पीस आउट, स्टे ब्लेस्ड, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, पीस, बाय।